गुड मॉर्निंग एवरी वन तो वन सेकेंड थोड़ा सा सेटअप इससे पहले हमारा सात बजे लेक्चर हुआ था मॉर्निंग में और अब है हमारा नौ बजे लेक्चर लेक्चर नंबर सिक्सटीन है एग्रोनॉमी का इससे पहले लेक्चर नंबर फिफ्टीन में हमने पढ़ा था वीट के बारे में इसमें हम अपने वीट को भी एंड करेंगे यानी कि वीट को कर लेते हैं ख़त्म और उसके बाद मेज क्रॉप का थोड़ा सा पार्ट अपन इसमें पढ़ लेंगे और मेज की डिसीजेज बचेंगी तो वो कल वाले लेक्चर में सुबह और मेज के बाद में जो भी हमारी अगली क्रॉप होगी उसको हम यहाँ पे ले लेंगे एक बार मैं चेक कर लूँ लेक्चर को फिर अपन चलते हैं आगे है ना मैंने बोला था भैया आप सबसे कि टाइम पर आप लोग आ जाइएगा लेकिन आ, शिव ज्योति गुड मॉर्निंग बिपिन गिरी गुड मॉर्निंग हाँ लाइक कर देना सारे लोग जितने भी लोग आ गए हैं करते हैं स्टार्ट लेक्चर नंबर सिक्सटीन है हम यहां पर पढ़ रहे थे आपका वीट चलिए स्टार्ट करते हैं भाई यहां पे तो वीट को इरिगेशन और इरिगेशन के बाद में न्यूट्रेंट तक हमने पढ़ा था कि कितना न्यूट्रेंट हमें वीट की क्रॉप में देना है न्यूट्रेंट के बाद में आती है हमारी वीट की सीडेड वगैरह सारी देख ली थी हमने टाइमली सोन इरिगेटेड टाइमली सोन रैनफेड कंडीशन में और एक जो लेट सोइंग हमारी और वैरायटी थी उसकी भी हमने सीडेड वगैरह सब कुछ देख लिया था वीट के बारे में जो हमें जनरल याद होना चाहिए पता होना चाहिए उस सारे के बारे में जानकारी हमने देख ली थी अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा डिसीजेज के बारे में यानी अब अपन पढ़ेंगे गेहूं के रोग तो गेहूं के रोगों में जो वीट के डिजीज हैं उसमें सबसे ज़्यादा है हमारा मोस्ट सीरियस डिसीज होता है रस्ट रस्ट भी कौन सा आपका ब्राउन रस्ट ब्राउन रस्ट में जो आपका कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो है पक्सिनिया रिकॉन्डिटा ट्रिटिसाई और ये जो रस्ट है आपका ये सबसे ज्यादा अपनी कंट्री में पाया जाता है तो एक क्वेश्चन तो यहां से बन जाता है कि हमारे देश में सबसे ज्यादा कौन सी रस्ट का अटैक होता है हमारे वीट पर तो हमारा आंसर होगा ब्राउन रस्ट फिर है आपका येलो रस्ट येलो रस्ट होता है पक्सिनिया स्ट्रीफॉर्मिस और इसे हम स्ट्राइप रस्ट भी कहते हैं इसे हम स्ट्राइप रस्ट भी कहेंगे ब्राउन रस्ट को लीफ रस्ट कहेंगे और ब्लैक रस्ट को स्टेम रस्ट भी कहते हैं तो तीनों ही बातें आपको ध्यान होना चाहिए पक्षी ने स्टीफॉर्मिस से हो रहा है येलो रस्ट ये हमें पहाड़ियों पर हिल्स पर फुट हिल्स पर यानी पहाड़ियों के नीचे छोर पर और नदर्न वेस्टर्न पार्ट यानी उत्तर पश्चिम एरिया में हमें अधिक देखने को मिलता है येलो स्ट अब उत्तर पश्चिम एरिया की बात करें तो उत्तर पश्चिम में हमारा कौन सा एरिया राजस्थान भी हमारा नॉर्थ वेस्ट में आ जाता है तो राजस्थान में हमें देखने को मिलेगा येलो रस्ट ब्लैक रस्ट की बात करें तो इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है और इसे हम वीट की किलर डिसीज भी कहते हैं इससे पहले हमने राइस की किलर डिसीज पढ़ी थी राइस की किलर डिसीज कौन कौन सी होती है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट और होती है टूंगरो डिजीज जो होती है टोंगरो वायरस के कारण और टोंग्रो वायरस का जो वेक्टर होता है वो होता है जैसेड ये सारी बातें आप लोगों को हमेशा याद होना जरूरी है हमें लिंक करना आना चाहिए कहां से कहां हम पढ़ रहे हैं और क्या क्या बातें यहां पर हमें याद होना चाहिए क्लियर है जितने स्टूडेंट आ गए हैं भाई डेली हमारी क्लास सुबह सात बजे फिर नौ बजे फिर शाम को आपको पाँच बजे मिलेगी क्लास फिर सात बजे से दस बजे तक आपको क्लासेस वहां पर मिलने वाली हैं डेली आप आ सकते हैं और बढ़िया अपनी कर सकते हैं यहां पर आप आ, कुछ डायग्राम भी देखेंगे प्रगति जी गुड मॉर्निंग यहां पर आप डायग्राम देखिए डायग्राम भी यहां पे डाल दी ये जो ब्राउन रस्ट है आपको इस प्रकार से नजर आएगा ये स्ट्रिप जो स्ट्रिप हमारी होती है लीफ पर जो स्ट्रिप होती है वहां पर आपको येलो नेस नजर आएगा ये येलो रस्ट है आप देख सकते हैं और ब्लैक रस्ट स्टेम रस्ट यहाँ स्टेम पर दिखाया गया है ये आपका स्टेम है और स्टेम रस्ट का यहाँ पे डायग्राम भी इंक्लूड है और जैसा मैं हमेशा आपसे बोलता हूँ नोट्स में ये आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा तो नोट्स आप बाय कर सकते हैं पूरे कंप्लीट एग्रीकल्चर के मात्र टू नाइन नाइन में इसे आप हमारी ऐप से जाके परचेस कर सकते हैं आगे चलें आगे बात करें तो हम फिर है हमारा लेट शॉन क्रॉप जो लेट शॉन क्रॉप होती है यानी कि हम देरी से बुआई करते हैं उसमें हमें रस्ट का डैमेज ज़्यादा देखने को मिलेगा जो भी हमारी रस्ट है उनका अटैक कहां पर होगा जो देरी से बुआई करेंगे हम वीट में वहां पर हाई नाइट्रोजन जब हम डोज देते हैं इससे भी रस्ट का इन्फेस्टेशन बढ़ता है और पोटास यदि देते हैं तो इस रस्ट का इन्फेक्शन डिक्रीज होता है ये तो वैसे आप जानते ही हैं कि जब हम ज़्यादा नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं तो डिसीज और इंसेक्ट का अटैक आपका वहाँ पर अधिक होता है बिकॉज जो प्लांट होता है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है नाइट्रोजन अधिक होने से प्लांट की वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत अधिक होती है और वहाँ पर सॉफ्टनेस हमें देखने को मिलती है सॉफ्टनेस के कारण डिसीज भी अधिक अटैक करते हैं इंसेक्ट भी अधिक अटैक वहाँ पर करते हैं स्प्रे करेंगे जिनेब का या फिर मैनकोजेब का कितना करना है बस ये ध्यान रखिएगा 0.2 परसेंट का स्प्रे करेंगे और इसका जो कॉम्बिनेशन होता है इसको बनाया जाता है सेवनटी फाइव डब्ल्यू पी में यानी कि वेटेबल पाउडर के फॉर्म में इसको बनाया जाता है अब आप यहां पर देखोगे ये जो दोनों डायग्राम है ये दोनों ही डायग्राम है आपके लूज स्मट के ठीक है लूज स्मट यहाँ पे एल डबलू ए सी आएगा लूज स्मट ऑफ वीट ये इसका अपना सेकेंड डिसीज है वीट का लूज स्मट ऑफ डिसीज का कॉजल ऑर्गेनिज्म है अस्टिलागो न्यूडा ट्रिटिसाई और ये जो लूज स्मट है ये हमारे मेजर प्रॉब्लम है वीट की इसमें जो ईयर है वो कन्वर्ट हो जाती है ब्लैक पाउडर में जो बाली है बाली के अंदर जो दाना हमारा बनने चाहिए था वो ग्रेन नहीं बनेगा ग्रेन फॉर्मेशन नहीं होगा वो आपका कन्वर्ट हो जाता है काली चूर्ण के रूप में काले चूर्ण के रूप में ब्लैक पाउडर के रूप में तो यहां पर आप देखेंगे स्पोर्स जर्मिनेट होते हैं आपके फीमेल पोर्शन यानी कि स्टिग्मा पर स्पोर कहां पर जर्मिन, जर्मिनेट होंगे स्टिग्मा पर स्टिग्मा क्या है यह हमारा एक फीमेल पार्ट होता है ट्रीटमेंट करेंगे सीड को वीटाबेक्स से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि लूज स्मट ऑफ वीट से बचने के लिए हम किस फंगीसाइड का ट्रीटमेंट करते हैं तो आपका आंसर आएगा वीटाबेक्स और इसकी मात्रा भी पूछी जाती है कितनी मात्रा है

न्यूडा ट्रिटिसाई की हम बात कर रहे हैं तो यहां पे क्या होगा माइसिलियम सीडलिंग जो यंग सीडलिंग है वहां पे माइसिलियम बन जाएगी फंगस के कारण हो रहा है तो फंगस में आपकी माइसिलियम हाई ये सारे के सारे उसकी बॉडी होती है बॉडी के पार्ट है तो माइसिलियम फॉलो ग्रोइंग पॉइंट ऑफ व्हीट प्लांट अब यहां से ये जो माइसिलियम है ये आपका कहां पे जाएगा ग्रेन साइड पर चला जाएगा ठीक है ये चला गया आपके ग्रेन साइड पर और ग्रेन साइड पर जाके आप देखेंगे ये टीलियो स्पोर यहां पर बनेंगे और टीलियो स्पोर के कारण एक ब्लैक पाउडर आपको यहां पर नजर आएगा और ये जो स्पोर है लैंड ऑन फ्लावर ऑन हेल्दी प्लांट एंड इनफैक्ट डेवलपिंग ग्रेन टीलियो स्पोर आपके जो भी हेल्दी प्लांट होंगे उन पर जाकर गिरेंगे या फिर उन पर जाकर हम कह सकते हैं कि चले जाएंगे जिसके कारण सारी की सारी क्रॉप में आपको लूज स्मट ऑफ वीट देखने को मिलेगा ये यह आपका यहां पे डायग्राम था फिर चलें आगे बात करें तो अगला है हमारा करनाल बंट जो जो मेन इसके फीचर्स हैं वो जरा आप ध्या, आ, ध्यान से देखिएगा करनाल बंट का कॉजल ऑर्गेनिज्म है नियोवोसी इंडिका और ये सबसे पहले आपके हरियाणा में देखा गया था इसलिए इसका नाम हरियाणा करनाल में देखा गया इसीलिए इसका नाम पड़ा करनाल बंट और नाइनटीन में यह देखा गया प्रीवेलेंट इन हिमालयन फुटहिल्स एंड तराई रीजन मतलब कि कहा पर अधिक देखने को मिलेगा हिमालय कि जो अः हम कहें कि फुट हिल्स है वहां पर और साथ ही साथ में जो तराई रीजन है हमारा वहां पे हमें अधिक देखने को मिलेगा करनाल बंट में होता क्या है करनाल बंट में एक फिशी स्मेल आती है फिसी यानी कि सड़ी मछली के गंध के जैसी वहां पर आपको बदबू आएगी और तीन प्रतिशत इंफेक्टेड ग्रेन में यदि तीन परसेंट से ज्यादा ग्रेन वहां पर इन्फेक्टेड हुए तो आपको यह स्मेल देखने को मिलेगी और यह स्मेल आती किसके कारण है ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है तो यह है ट्राई मिथायल एमीन के कारण क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया करनाल बंट में मछली की सड़ी मछली के समान गंध आती है वह किसके कारण आती है तो ट्राई ट्राइम के कारण आती है है और जो करनाल बंट है, वो हमारा सोयल और सीड सीडबोन डिसीज दोनों है क्वेश्चन आपसे यह भी पूछा जाता है करनाल बंट है सोयल बोर्न सीड बोन बोथ ऑफ दी एब और नन ऑफ तो आंसर आएगा आपका बोथ है भाई सोयल भी है और सीड भी है करनाल बंट में आप देखो यह जो ग्रेन है आप देख सकते हैं ग्रेन ना यहां पे चाफी हो चुके हैं चाफी का मतलब है कि एकदम खोखले हो जाते हैं और अंदर हमें एक ब्लैक पाउडर देखने को मिलेगा ये ये पूरा पूरा का पूरा जो अफेक्टेड अफेक्टेड है है वंट से ग्रेन यदि हम बाली की बात करें तो जहां से ग्रेन आपका जुड़ा होता है ये वाला पोर्शन ये आपका ब्लैक ब्लैक होने लगेगा और यहां पर ना सड़ने लगेगा ये वाला पोर्शन आपका सड़ने लगेगा तो इसे कहेंगे हम करनाल वंट अब इसके लिए हम यूज करते हैं टिल्ट टिल्ट का कितना पांच सौ एम एल पर हेक्टेयर इसको यूज करेंगे और यह जो टिल्ट है यह एक सिस्टेमिक फंजी है ध्यान रखिएगा करनाल बंट के लिए यूज किया जाता है टिल्ट पांच सौ एम एल पर हेक्टेयर और यह है एक सिस्टेमिक यानी कि सर्वांगी कवकनाशी है सीड ट्रीटमेंट कर दो विटाबैक्स से लूजिसमेंट में भी विटाबैक्स करनाल बंट के लिए भी विटाबैक्स और जो मात्रा है वो भी सेम है ढाई ग्राम प्रति किलोग्राम अब जो एक्सेसिव इरिगेशन होती है ज्यादा से ज्यादा आप जो इरिगेशन करेंगे उसे अवॉइड कीजिए मतलब आप ज्यादा इरिगेशन ना करें तो करनाल बंट से बचा जा सकता है और किस टाइम पर नहीं करना चाहिए फ्लॉवरिंग के टाइम पर फ्लावरिंग के टाइम पे यदि आपने उसको इरिगेशन अधिक दे दी ज्यादा दे दी तो करनाल बंट होने का खतरा जो है वो बढ़ जाएगा वहां पर ठीक है भाई <coughs> चलिए फिर है अल्टरनेरिया लीफ ब्लाइट अब अल्टरनेरिया लीफ ब्लाइट का कॉजल ऑर्गेनिज्म जरा देखो क्या है इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है अल्टरनेरिया ट्रिटिकाना और यह भी एक हमारी फंगस है सबसे सिंपल क्वेश्चन यदि कुछ पूछा जा सकता है तो किसी भी डिसीज से है, पूछा जा सकता है कि यह डिसीज आपका फंगस के द्वारा हो रहा है बैक्टीरिया के द्वारा हो रहा है या फिर आपका वायरस के द्वारा हो रहा है यह एक सिंपल से सड़े से सड़ा क्वेश्चन इस हिसाब से आपका पूछा जा सकता है आप देख सकते हो अल्टरनेरिया जो है, भाई, है, तो लीफ पर ही काम करेगा हुए हैं और नोट्स जिन लोगों ने भी बाय किया होगा उन लोगों को पता होगा ज्यादा से ज्यादा पिक्चर से समझाने की यहां पर कोशिश की गई है ताकि अधिक से अधिक समय तक आपको याद रह सके एग्रीकल्चर में जो एक सबसे बड़ा हम कहें चैलेंज होता है तो वो यही होता है कि हम पढ़ तो सारा लेते हैं लेकिन हम याद कितने दिन तक रख पाते हैं वैकेंसी आपकी दो महीने दो महीने के बाद चार महीने में आ सकती है चार महीने से छह महीने भी कभी कभार लग जाते हैं तो क्या तब तक हम याद रख पा रहे हैं यदि तब तक याद रख पा रहे हैं तो फिर तो कोई परेशानी होना ही नहीं है फिर देखेंगे सबसे ज्यादा इन्फेक्ट होती है फील्ड आपकी कहां पे बर्न अपियरेंस कैसा हमें एकदम जला हुआ वहां पर अपियरेंस दिखाई देगा एंड सीड बॉन्ड डिसीज है ब्लाइट क्या है सीड बॉन्ड डिसीज है मतलब सीड से डिसीज फैलती है और करनाल करनाल्ट की सोयल एंड सीड बॉर्न दोनों ही थी कंट्रोल करेंगे वीटा से सीड को करेंगे ट्रीटमेंट ढाई ग्राम प्रति किलोग्राम से जिनेब और मैनकोजैब का स्प्रे हम कर सकते हैं जिससे रस्ट से बचने के लिए हम स्प्रे कर रहे थे वही अल्टरनेरिया लीफ ब्लाइट से बचने के लिए स्प्रे इस इस करेंगे 75 फाइव डब्ल्यू पी में इसका फॉर्मुलेशन होता ही है और 0.2 परसेंट तो हम उसमें भी यूज कर रहे थे रस्ट में तो इसमें भी यूज करेंगे मिक्स ओरिया यूरिया टू टू थ्री परसेंट यूरिया को हम इसमें मिक्स भी कर सकते हैं दो से तीन प्रतिशत तक इसकी मात्रा हम यहां पर रख सकते हैं हाँ भैया अब एक बार सारे लोग जुड़ गए होंगे क्योंकि लोगों ने सोचा होगा कि सर तो लेट ही स्टार्ट करते हैं तो अपन भी लेट चलें जितने भी बच्चे आए हैं भाई सेशन को लाइक जरूर कर दिया करो ब्राउन रस्ट का कॉजल ऑरेंज पक्षीन टीटीसी नाव पक्षीन रिकॉन्डेट प्रीवियसली ठीक है अभिषेक रंजन जी ओके ठीक है। फिर चलते हैं भाई आगे तो आगे है पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू किससे हो रहा है हमारे वीट में जरा देखिए इरिसाइफी ग्रेमिनिस ट्रेटिसाइड यह भी एक हमारा फंगस है इंफेक्टेड प्लांट्स जो है वो आपके स्टंटेड हो जाते हैं स्टंटेड का मतलब है सूखना स्टंटेड का मतलब है आपका सूखना और स्टंटेड का मतलब ये भी है कि न्यूट्रेंट की कमी के कारण जो हमें एक एबनॉर्मलिटी दिखाई देती है एबनॉर्मल प्लांट हमें दिखाई देता है वही अपना स्टंटिंग कंडीशन है स्टंटेड है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये यह जो बाली है बाली में ना तो यहाँ पे आपके दाने दिखाई देंगे दाने बनेंगे नहीं और एकदम स्टंट प्लांट हमें वहाँ पर देखने को मिलेगा कंट्रोल कैसे करना है मैनकोजेब सेवेंटी फाइव डब्ल्यू का सिक्सटीन पार्ट लेंगे और साथ में क्या मिलाएंगे जरा देखना कैराथेन ट्वेंटी फाइव डब्ल्यू पी का चार पार्ट ले लेंगे तो सिक्सटीन पार्ट और फोर पार्ट यानी कि यह मान लीजिए आप लगभग यदि हम इनको ट्वेंटी पार्ट माने और ट्वेंटी पार्ट को बराबर हम मानते हैं हंड्रेड परसेंट तो यह हो जाएगा हमारा फाइव यानी कि एट्टी परसेंट तो लेंगे मैन को मैनकोजेब और 20 परसेंट लेंगे कैराथेन तो 18 20 का रेशियो हम यहां पर रखेंगे पार्ट्स में देखें तो 16 पार्ट्स और चार पार्ट्स स्प्रे कर देंगे मिक्सचर 2 किलोग्राम पर 1000 थाउजेंड लीटर इन दोनों का दो किलोग्राम बनाएंगे किस किसका मैन को जब और कैराथेन का, का मिक्सचर दो किलोग्राम एक हजार लीटर में घोलकर हम इसका स्प्रे कर देंगे किसके लिए पाउडर मिल्ड्यू के लिए तो ध्यान रखना पाउडर मिल्ड्यू है इसलिए हमने इसमें ऐड कर लिया है कैराथेन इसलिए हमने इसमें ऐड कर लिया है कैराथेन आगे चले आगे बात करें तो फिर नेक्स्ट है हमारे पास टर्माइट अब ये टर्माइट क्या है यहां पर डिसीज हो चुके हैं हमारे एंड अब अपन आ गए हैं इंसेक्ट पर तो इंसेक्ट कौन कौन से लगते हैं हमारे वीट में मैंने बोला था आपसे प्लांट पैथोलॉजी भी लगभग अपन यहीं पर लगभग लगभग अपन कवर कर सकते हैं पूरा नहीं बोल रहा हूं लगभग डिसीजेस और एंटामोलॉजी के जो इंसेक्ट हैं वो अपन थोड़े थोड़े यहां पर कवर करने की कोशिश करेंगे जिससे आपको एक कनेक्ट जब आप करें सब्जेक्ट को जैसे मान लीजिए एंटोमोलॉजी पढ़ रहे हैं तो वहां पर भी आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए कि हाँ यार ये वीट में नुकसान करता है या फिर राइस में या फिर आपका मेज वगैरह में जो भी अपनी क्रॉप्स हैं तो सबसे पहला है टर्माइट टर्माइट का जो इन्फेस्टेशन होता है वो होता है आपका अन इरीगेटेड कंडीशन में तो आप ध्यान देना जरा अनिगेटेड कंडीशन जहां पे इरीगेशन नहीं है वहां पे आपका टर्माइट बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है तो टर्माइट के कंट्रोल के लिए हम क्या कर सकते हैं भाई इरीगेशन कर सकते हैं तो यहां से एक हमारा पॉइंट निकला है कि सर इरीगेशन हम वहां पर कर देंगे इन अन इरीगेटेड कंडीशन के साथ संबंधित जो अनडिकम्पोज एफ होता है यानी एफ वाय है जो कि अभी डीकंपोज नहीं हो पाया है उसके कारण भी टर्माइट का अटैक्स बहुत ज्यादा होता है इसके कंट्रोल के लिए दो प्रतिशत मिथाइल पैराथियोन केमिकल है उसको यूज कर सकते हैं 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से और लास्ट प्लाउइंग बिफोर सोइंग यहां पर हम कहेंगे सोइंग से बिफोर यदि पहले प्लाउ कर दिया जाए आखिरी बार तो भी टर्माइट से कंट्रोल किया जा सकता है टर्माइल को कंट्रोल किया जा सकता है सेकंड है गुजिया बीबिल अब ये जो गुजिया बीबिल है यह है जर्मिनेटिंग सीडलिंग्स पर यानी कि जब हम गेहूं की सोइंग करते हैं और सोइंग के बाद में जो गेहूं का जर्मिनेशन होता है और वहां से जो सीडलिंग बनते हैं सबसे ज्यादा अटैक आपका करेगा गुजिया बीबिल कंट्रोल इसे हम कर सकते हैं टर्माइट की तरह ही मतलब कि मिथाइल पैराथियोन का स्प्रे करके और लास्ट प्लाउंग भी कर सकते हैं हम सोइंग से पहले आर्मी वर्म कैटरपिलर इंफेस्टेशन एट नाइट एंड हाइट ड्यूरिंग द डे मतलब आर्मी बर् एक हमारा नॉक्टर्नल इंसेक्ट है नॉक्टर्नल इंसेक्ट यानी कि रात्रिचर जो रात में काम करते हैं भाई हम भी यदि रात में पढ़ रहे हैं तो अपन भी रात्रिचर हो जाएंगे तो कैटरपिलर इसका जो आर्मी बर्म है इसका कैटरपिलर आपका इंफेस्ट करेगा रात में और दिन के टाइम पे हो जाएगा छिप जाता है और दो परसेंट मिथाइल पैराथियोन पच्चीस किलोग्राम यानी कि सेम एज हमारा इसी की तरह हम इसका कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन एक और है कार्बरिल जैसे सेविन हम कहते हैं 50 डब्ल्यू पी दो से पांच किलोग्राम प्रति हेक्टेयर 800 लीटर में घोलकर हम इसका भी स्प्रे कर सकते हैं किसी को कोई प्रॉब्लम देखो भाई आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि यार हमें सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू से काम हमारा हो जाएगा तो ऐसा भाई पॉसिबल नहीं है थ्योरी आपको जरूर पढ़ना पड़ेगी क्योंकि एमसी एक दो पेज मान लीजिए एक पेज से आपके एम बन सकते हैं दस यदि उसमें तीस लाइन्स हैं तो जरूरी नहीं है कि हर बुक में एक एक लाइन से एम बना के दिया गया हो तो आपको थ्योरी जरूर पढ़ना पड़ेगी और थ्योरी पढ़ पढ़ोगे तभी आगे अपना थोड़ा सा बेस बन पाएगा जितेंद्र विश्वकर्मा क्या कारण है कि वीट की लेट स्विंग करने पे 125 किलोग्राम सीड लगती है बिल्कुल भाई और शायद मॉइस्चर के कारण जर्मिनेशन फेल होता होगा एट द रेट जीतेंद्र अच्छा आपस में आप लोगों की बात चल रही है तो देखिए कारण आपने पूछा है जितेन जी कि 25 किलोग्राम सीड आपकी अधिक लग रही है तो बिल्कुल जैसे इन्होंने मॉइस्चर के कारण पूरा का पूरा अंतर जो है वो जर्मिनेशन का है पूरा का पूरा अंतर जो है वो आपका जर्मिनेशन का है यानी कि जर्मिनेशन भी वहां पर कम हो सकता है जर्मिनेशन के बाद में हम कहें तो टेलरिंग भी आपको कम देखने को मिल सकती है तो हमें प्लांट की पॉपुलेशन बढ़ाना ही पड़ेगी और सबसे जो मोस्ट इफेक्टिव रीजन है इसका वो है जर्मिनेशन आपको जर्मिनेशन कम देखने को मिल सकता है इसलिए हमें सीड रेट को इंक्रीज करना होता है जब आप एक टाइमली सोन करते हैं तो टाइमली सोन में क्या होता है जैसे कि हम राइस की बात करते हैं राइस की हम खरीफ में स्पेसिंग रखते हैं 20 से 15 ठीक है तो राइस की जब खरीफ में स्पेसिंग 20 से 15 रखते हैं तो उसका क्या मीनिंग है खरीफ में 20 से 15 क्यों रख रहे हैं क्यों नहीं हम रबी के जैसे 15 से 15 स्पेसिंग उसकी रख पा रहे हैं क्योंकि खरीफ में टिलरिंग उसमें ज्यादा होती है टिलरिंग होने के कारण हमें उसे स्पेस देना जरूरी है तो वहां पे आपकी प्लांट पॉपुलेशन कम हो जाएगी प्लांट पॉपुलेशन कम करने के लिए आपको सीड रेट कम करना पड़ेगी क्लियर है अब ऐसे ही रबी में है रबी में यदि आप टाइमली सोन करते हैं तो आप उसमें क्या करेंगे थोड़ी सी स्पेसिंग आपको देना पड़ेगी बिकॉज वहां पे भी अच्छी परिंग आपको देखने को मिलेगी लेट सोन करेंगे तो वहां पे आपको कम देखने को मिलेगी अब टेलरिंग कम होगी तो प्लांट की पॉपुलेशन बढ़ाना पड़ेगी और प्लांट की पॉपुलेशन जब बढ़ाना पड़ेगी तो सीड रेट तो बढ़ाना ही पड़ेगा नहीं तो प्लांट की पॉपुलेशन बढ़ ही नहीं पाएगी सिंपल सी बात है और मॉइस्चर के कारण थोड़ा बहुत जर्मिनेशन भी आपका वहां पर कम हो जाता है मान लीजिए पहले 80 था तो हो सकता है 75 या 70 तक पहुंचे फिर चलो आगे चलते हैं आगे है अपना ब्राउन वीट माइट या फिर एफिड। मैंने आपको बता दिया था इसका सोर्स क्या है और बिल्ट डिसीज एक्सप्लेन कर देते हैं ठीक है एमसीक्यू से काम नहीं चलेगा लेकिन फिर भी दो से तीन क्लास एमसीक्यू की लेने की हम सोच रहे हैं जरा देखिए ब्राउन वीट और कौन कौन से हैं जरा देखो माइट ब्राउन वीट माइट एफिड और जेसिड ये हमारे लीफ सकिंग पेस्ट हैं सारे के सारे लीफ सकिंग पेस्ट का मतलब क्या है पत्ती से लीफ सकिंग पेस्ट क्या है आपके पत्ती से जो प्लांट का रस होता है जो शेप होता है उसको चूसते हैं सक करते हैं डिस्कलरेशन हो जाएगा लीव्स का भाई लीफ से जब आप रस को वो सक करेंगे तो यहां पे डिस्कलरेशन यानी कि लीफ का कलर आपका धीरे धीरे पीला पड़ता हुआ दिखाई देगा दिखा दिखा तो वह डिस्कलरेशन होगा एंडोसल्फोन का यूज हम कर सकते हैं थर्टी फाइव ई सी और क्यूनोलफॉस का यूज कर सकते हैं जिसे हम कहते हैं फाइव ई सी का किस दर से एक दशमलव दो पांच लीटर प्रति एक हजार लीटर पर हेक्टेयर की दर से हम इसको यूज कर सकते हैं अब एक बात और मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारे इंसेक्टिसाइड हैं और इन्हें पढ़ने में थोड़ी सी हमें परेशानी होती है तो थोड़ी सी कोशिश कीजिएगा कि बार बार आप रिवाइज कर सकें बार बार जब आप रिवाइज करेंगे तभी आपको ये चीजें याद होंगी तो कमेंट में मैंने देखा ये बोल रहे हैं कि विल्ट को आप क्या कीजिए एक्सप्लेन कर दीजिए विल्ट क्या है इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है भैया कंफ्यूजन क्या है Built का मतलब है हिंदी में उखटा क्या है उखटा अब देखो उखटा रोग होता क्या है अपन सिंपल सी लैंग्वेज में समझते हैं उकटा रोग जैसे आपका प्लांट लगा हुआ है ठीक है और प्लांट की जो रूट्स होती हैं ना प्लांट की जो रूट्स होती हैं यह है सोयल से कनेक्शन यानी सोयल से जो कनेक्ट होती है सोयल से इनका कनेक्शन टूट जाता है अब सोयल से यहां पर इनका कोई भी कनेक्शन नहीं रहता है रूट आपकी सूखने लगेंगी तो रूट क्या करेंगी अपना काम कर देती है बंद रूट का काम बंद होता है रूट का काम क्या है भैया वाटर को एब्जॉर्ब करना अब जल का अवशोषण ही जब रुक जाएगा तो प्लांट सर्वाइव करेगा प्लांट भी धीरे धीरे आपका सूखने लगता है इसे कहते हैं उखटा अब यह समस्या आती किस किस के कारण है या तो आपने सेलो सोइंग कर दिया बहुत ही ज्यादा तो वहां पर आपका एक उकटा रोग लग सकता है या फिर अपना विल्ट भी भैया अपनी एक फंगस कॉज करती है तो आपका फंगस भी वहां पर कॉज हो सकती है कर सकती है तो विल्ट में यहां पर रूट में बन जाती हैं आपकी गांठें जाइलम में जाके बन जाती हैं गांठें तो जाइलम जो है वो ब्लॉक हो जाता है पानी वाटर ऊपर नहीं जा पाता जिसके कारण विल्ट हो जाता है प्लांट आपका उखट जाता है उखटा लग जाता है यह है विल्ट की एक प्रोसेस और यदि इसे प्लांट पैथोलॉजी में आप पढ़ेंगे तो और वहां पर अच्छे से एलोबरेट कर दिया जाएगा फिर है फील्ड रेट यानी कि अपने खेत वाला चूहा तो इसके कंट्रोल के लिए जरा देखो एल्यूमिनियम फॉस्फाइड और फील्ड रेट जो है इसकी हम कहें तो यदि एक किसी खेत में आपके चूहे देखने को मिले और वहां पर इनका जो डैमेज होगा इनके द्वारा बहुत ज्यादा होता है बहुत ही ज्यादा एल्यूमिनियम फॉस्फाइड का हम इस्तेमाल यहां पे करते हैं एक टैबलेट टैबलेट लिखा हुआ है है टी यहां पर मिसिंग एक टैबलेट ऑफ ग्राम पर स्मॉल ध्यान रखना क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक टैबलेट का जो वजन है वो कितना होता है जीरो दशमलव पांच ग्राम और तीन ग्राम करते हैं हम लार्ज बरो में यदि बहुत बड़ी ज्यादा बरो है बरो क्या है जहां पे चूहे रहते हैं ठीक है 3 ग्राम यदि बड़ी बरो है तो और 0.5 ग्राम यदि छोटी बरो है तो क्लियर है ठीक है टाइम से आया करो भाई जितने भी लोग लेट आ रहे हैं टाइम से आने की कोशिश करें फिर है हार्वेस्टिंग चलिए हार्वेस्टिंग कब करेंगे जब वीट में 25 से 30 प्रतिशत मॉइस्चर हो नमी हो तब उसे हार्वेस्ट कर लेना चाहिए लेकिन ईल्ड कितनी है जरा देखो इरिगेटेड कंडीशन में है सब 40 से 55 क्विंटल पर हेक्टेयर 45 फाइव टू फिफ्टी क्विंटल ये जो डेटा है डेटा है आपकी रेफरेंस बुक छिद्दा सिंह का मैं फिर बता दूं यदि चेक करना हो तो उस बुक से आप चेक कर सकते हैं रेनफेड कंडीशन में 20 से 25 क्विंटल पर हेक्टेयर स्टोरेज हार्वेस्टिंग तो कर लिया पच्चीस से तीस प्रतिशत पर लेकिन अपने जो खलियान होते हैं भैया वहां पर उसको सूखने के लिए रख दिया जाता है वीट को तो दस से बारह प्रतिशत मॉइस्टर जब तक उसमें अवेलेबल ना हो बचे ना तब तक हम उसे स्टोर नहीं करेंगे जैसे ही 10 से 12 प्रतिशत नमी पर वीट हमारा पहुंचेगा हम फिर उसे स्टोर कर सकते हैं संरक्षण उसका कर सकते हैं ठीक है फिर चलें आगे बात करें तो नेक्स्ट हमारी क्रॉप आ जाती है मेज मक्का चौथे फूड की यदि हम बात करें तो चौथा फूड हमारा क्या है देखो वीट वीट के बाद राइस राइस के बाद तीसरा फूड है मेज और चौथा फूड है पोटैटो आलू चौथे नंबर पे खाया जाने वाला तो वीट राइस मेज पोटैटो तो मेज अपना तीसरे नंबर की इंपॉर्टेंट क्रॉप है जो कि कंज्यूम की जाती है हमारे वर्ल्ड में तो मेज मेज में क्रोमोजोम नंबर होते हैं दो, आ, बराबर, 20. क्लासिफिकेशन किया था कैरेक्टर ऑफ बेसिस पर किप्स ने, 1959 में। तो सबसे पहले देखो जिया मेज इंडू राटा इसे हम फ्लिंट कॉर्न भी कहते हैं और यह है हमारी इंडिया में ग्रोन की जाती है भैया जिया मेज इंडू राटा इंडू यानी कि इंदू याद कर लो और इंदू फ्लिंट यानी फ्लैट में राटा रहती है इंदू रहती है फ्लैट में ऐसे ही मैंने याद किया हुआ है तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे इंडिया में इंडू राटा और इसे हम फ्लिंट कॉर्न भी कहते हैं तो इंडू कहां पे रहती है भैया फ्लैट में रहती है ये हमारा हो जाएगा पहला नाम जियामेज इंडू राटा जियामेज इंडन टाटा टाटा में तो डेंट आ ही रहा है तो डेंट कॉर्न है और डेंट कॉर्न उगाई जाती है आपकी यूएसए में जिया मेज एवल्टा पॉपकॉर्न जो कि अपन कंज्यूम करते हैं जब इसको हीट किया जाता है तो जैसे ही प्रेशर अंदर बनता है तो कर्नेल जो है आपका वो सडनली क्या हो जाता है फट जाता है फूट जाता है और उसका जो रिजल्ट होता है एक्सप्लोजन होगा और यहां पर यदि हम देखें जो ग्रेन है वो आपका इनसाइड <coughs> आउट आपका मतलब अंदर ही अंदर आपका ग्रेन फट जाएगा अब यहां पर जो ये प्रेशर बनके के आपका सडनली ब्लास्ट हो रहा है एक्सप्लोजन हो रहा है ये इसमें और जो ऊपर आपका पॉपकॉर्न बनता है वो आपका एंडोस्पम्प के कारण यानी कि एक्सप्लोजन होता है एंडोस्पम में जो एंडोस्पम है उसमें आपका एक्सप्लोजन होता है तब जाकर ही आपका पॉपकॉर्न बनता है अब यहां पर आपको नजर आ रहा होगा एक डायग्राम डायग्राम में आपको दिया हुआ है देखते हैं नीचे से समझे तो सबसे पहले रूट्स हैं हमारी रूट्स के बाद में जो फर्स्ट नोड से रूट निकली होती है यानी कि पहली गांठ से जो रूट निकली होती है उन्हें हम कहते हैं ब्रेस रूट ब्रेस रूट के बाद में लीप शीत हमने पड़ा हुआ है गेहूं में वही का वही लीप शीत आपका यहां पे रहेगा फिर यहां पे देखो मक्के में ना यहां पे टिलर भी दिया हुआ है इसमें लेकिन यदि मेज की हम बात करें तो आप देखोगे ज्यादातर जो मेज बुक्स में लिखा हुआ है कि नो टिलर प्लांट है हमारा मेज यदि आपने सही से देखा हो तो मेज में टिलरिंग नहीं होती है ये भी आपको बहुत सारी बुक्स में देखने को मिलेगा और मेरा भी मानना है कि मेज में टिलरिंग नहीं होती ठीक है लेकिन यदि आप देखोगे आ, ध्यान से तो मेज में कभी कभार जैसे गेहूं में आपको देखने को मिलता है ऐसे ही मेज में कभी कभार देखने को मिल जाता है तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि टिलरिंग होती है या नहीं किसी बुक में लिखा है होती है कहीं पर लिखा है नहीं होती दोनों ही बातें हैं अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग देखने को मिलेगा फिर उसके बाद में लीफ ब्लेड मैंने आपको समझा दिया था मेज में लीफ ब्लेड बहुत शार्प होती है ये आपका ईयर है ठीक है और ईयर आप देखोगे भुट्टे के ऊपर ना एक रेशम से कुछ धागे लगे होते हैं वो है सिल्क वो है भुट्टे का फीमेल पार्ट और ये जो ऊपर वाला आपका यहां पे पार्ट है ये यहां पे जो लगा होता है ये है आपके टेसल फिर टैसल में क्या क्या पाया जाता है एंथर है ग्लूम है ये सब कुछ यहां पे दिया हुआ है और टैसल की ये इंटरनोड है कि यहां से टैसल निकला होता है तो मेल पार्ट मक्के में कहलाता है टैसल और फीमेल पार्ट कहलाता है सिल्क एंडोस्पम में होता है एक्सप्लोजन तभी बनता है पॉप कॉर्न तो ये सब अपन ने देख लिया आगे चले आगे बात करें फिर है जिया मेज सेकेराटा तो सेकेराटा से मतलब है स्वीट कॉर्न जो कि आप आ, उबाल के जो हम आजकल मार्केट में मिलती है उबली हुई वो है आपकी सकेराटा इसका नाम है आ, स्वीट कॉर्न का नाम है सकेराटा और स्वीटर देन अदर बाकी सभी से बहुत ज्यादा मीठी होती है जिया मेज एमाइलिसिया ये है आपकी सॉफ्ट कॉर्न और सॉफ्ट कॉर्न को उगाया जाता है यूएसए में एंड साउथ अफ्रीका में यूएसए और साउथ अफ्रीका में इसको ग्रोन किया जाता है जियामेज ट्यूनिकाटा पॉडकॉर्न का नाम है और ये प्रिमिटिव है यानी कि सबसे पुरानी इमेज की यदि हम बात करें तो वो है हमारी पॉडकॉर्न जियामेज ट्यूनिकाटा एंड जियामेज सेरेटिना कोलेस ये है हमारी बैक्सीकॉर्न वैक्स लाइक हमें यहाँ पे सब्सटेंस देखने को मिलेगा और यहाँ पे स्टार्च प्रोड्यूस होता है लगभग टैपियोका के जैसा जो टैपियोका में स्टार्च आपका प्रोड्यूस होता है उतना ही आपको वैक्सी कॉर्न में देखने को मिलेगा फिर रूट्स की बात करें तो मेज में तीन प्रकार की रूट्स हमें देखने को मिलती हैं एक है हमारी सेमिनल रूट्स फिर है क्राउन या फिर कोरोनल रूट्स एंड ब्रेस एरियल और प्रॉप रूट्स तीन प्रकार की रूट्स होती हैं ध्यान रखिएगा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है मेज में कौन कौन सी जड़ें पाई जाती हैं आपको तीनों ऑप्शन में मिलेगा ऑल ऑफ दीज भी मिल सकता है या फिर हो सकता है अलग अलग रूट्स के नाम दे दे तो तीनों नाम आपको याद रखना है आगे चलें तो आगे बात करें मेज एक मोनोसियस क्रॉप है भैया या मोनोसियस प्लांट है और क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है तो इन दोनों को जरा हम समझेंगे कि आखिर मोनोसियस क्या है एंड क्रॉस पॉलिनेशन क्या है देखो क्रॉस पॉलिनेशन की यदि हम बात करें तो पॉलिनेशन मतलब होता है परागण ठीक है परागकण और परागण दोनों ही अलग अलग बात है पेन का थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं तभी आपको दिखेगा परागण यानी कि पॉलिनेशन और परागकण दोनों ही बातें अलग अलग हैं मोनोसियस कंडीशन क्या होती है जरा ध्यान दीजिएगा मोनो मतलब होता है एक एक ही प्लांट पर जब हमें मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर दोनों ही देखने को मिलेंगे उसे कहेंगे हम मोनोसियस प्लांट मतलब एक प्लांट पे मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर दोनों देखने को मिलेंगे लेकिन मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर अलग अलग होंगे होंगे एक ही प्लांट पे लेकिन अलग अलग होंगे डायोसियस कंडीशन सर एक प्लांट पे ओनली मेल फ्लावर और इसके दूसरे प्लांट पे ओनली फीमेल फ्लावर यानी कि डाई का मतलब क्या होता है दो तो दो प्लांट पर हमें अलग अलग फ्लावर देखने को मिल रहे हैं मेल और फीमेल ये हो गई डायोसियस कंडीशन और उभयलिंगी या फिर हर्मा जो आपकी कंडीशन होती है उसमें सर एक प्लांट में एक फ्लावर में हमें मेल और फीमेल दोनों ही देखने को मिलेगा तीन कंडीशन यहां पर बनती हैं मोनोसियस एक ही प्लांट में मेल और फीमेल दोनों फ्लावर होंगे बट अलग अलग होंगे डायोसियस में मेल और फीमेल फ्लावर दोनों प्लांट पर सेपरेट अलग अलग होंगे हर्माफ्लोडाइट में एक ही प्लांट में एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल जो पार्ट है वो एक ही फ्लावर के अंदर होंगे वो होगा हर्माफ्लोडाइट ओबेलिंगी कंडीशन क्रॉस पॉलिनेशन क्या है पॉलिनेशन होता है जब एक पुष्प या फिर हम ये कहें कि जब एक पराग कण एक प्लांट में पराग कण उसी पुष्प के या फिर मान लीजिए फीमेल पार्ट होता है स्टेगमा स्टेग्मा पर पहुंचने की जो क्रिया है वो कहलाती है पॉलिनेशन अब ये दो प्रकार से हो सकता है क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब है कि एक क्रॉप में जो पराग कण है एक फूल के जो एंथर है वो दूसरे फ्लावर के स्टेगमा पर पहुंच रहे हैं बस ये आपका क्रॉस पॉलिनेशन है और यदि उसी पौधे में एक पौधे में उसी पौधे के जो परागकण है उसी के स्टेगमा पर पहुंच जाए तो वो आपका सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो वो आपका सेल्फ पॉलिनेशन होगा ठीक है जिसमें एक पौधे के परागकण उसी पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए स्टिग्मा पर पहुंचे उसे कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन एक सिंपल भाषा में समझाने की आपको कोशिश की है यदि किसी को कोई परेशानी हो तो मुझे बता दीजिएगा कि सर ये बात समझ नहीं आई तो अपन उसको देख लेंगे फिर चलें मेल इन्फ्लोरोसेंस जैसा हमने अभी देखा कि मक्के में जो मेल पार्ट होता है उसे कहते हैं टेसल और इसको रिमूव करने की प्रक्रिया कहलाती है डी टैसलिंग क्या कहलाती है डी डी क्यों रिमूव किया जाता है क्योंकि जब आपको वहां पे क्रॉस पोलिनेशन को रोकना है तो जो स्टाइल है वो आपकी बहुत ज्यादा लॉन्ग होती है सिल्की फिलामेंट होता है जो भुट्टे के ऊपर सिल्क आपको देखने को मिलता है क्लस्टर ऑफ विच इज नोन एज सिल्क इसे हम कहते हैं सिल्क जो होता है हमारा फीमेल पार्ट मेज का फीमेल फ्लावर या फीमेल पार्ट मेज में प्रोटीन पाया जाता है और मेज की प्रोटीन को बोला जाता है जीन प्रोटीन और मेज आपका ट्रिप्टोफेन और लाइसीन में जो ट्रिप्टोफेन है ये आपका एक एमिनो एसिड है लाइसिन भी आपका एक एमिनो एसिड है इन दोनों की पाई जाती है कमी इसीलिए तो मेज को लाइसीन रिच मेज बनाने की कोशिश की जा रही है और बनाया भी है लाइसिन रिच मेज भी बहुत सारी आपकी बनाई गई जीन के द्वारा जो लाइसिन और उन्नीस सौ दस में जो हाइब्रिड था वो बनाया था सिंगल क्रॉस टेक्निक के द्वारा ठीक है सिंगल क्रॉस टेक्निक सबसे ज्यादा यूज की जाती है यूएसए में और फिर चाइना में हमारे इंडिया में यूज की जाती है डबल क्रॉस टेक्निक तो ध्यान दीजिएगा ईस्ट और सल ने सिंगल क्रॉस टेक्निक दी कब दी 1910 में दी और हाइब्रिड में इसका जो कॉन्सेप्ट है वो भी किसने दिया ई एम ईस्ट ने और जी एच सल डबल क्रॉस टेक्निक को बनाया था डीएफ जोन्स ने वन सेकेंड डबल क्रॉस टेक्निक को बनाया था डीएफ जोन्स ने प्रोड्यूस किए इन्होंने प्रोडक्शन किया बीस में तो सिंगल क्रॉस टेक्निक एंड डबल क्रॉस टेक्निक दोनों आपकी अलग अलग है डबल क्रॉस टेक्निक हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा यूज होती है सिंगल क्रॉस यूएसए और चाइना में सब कुछ आपको पढ़ते चलना है बार बार आपको पढ़ना पड़ेगा एआईसीआरपी मतलब ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट मेज इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट जो आपका चलाया गया था वो चलाया गया था आपका उन्नीस में और उन्नीस से चार साल बाद उन्नीस सौ में आपकी बनी कौन सी हाइब्रिड वैरायटी। फिर 1967 में आपकी बनी कौन सी कंपोजिट वैरायटी? 61 में बनती है हाइब्रिड और 67 में कंपोजिट पहली बार 1961 में चार डबल क्रॉस हाइब्रिड बनाए गए थे तो आप ध्यान रखिएगा ये जो गंगा 101 है डेक्कन है रंजीत है और गंगा एक है ये आपके डबल क्रॉस हाइब्रिड है ना कि सिंगल क्रॉस हाइब्रिड तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें लेटर ऑन अदर डबल क्रॉस हाइब्रिड वर रिलीज कौन कौन से वीएल फिफ्टी फोर हिमालयन वन टू थ्री हाई स्टार्ज गंगा दो गंगा तीन गंगा पांच ये सारे के सारे आपके बाद में डबल क्रॉस हाइब्रिड तैयार किए गए एक बार देख लें भाई किसी बच्चे को कोई परेशानी हो रही हो या फिर किसी ने कोई डाउट पूछा हो तो उसे क्लियर करते हैं विपिन गिरी वंदना ध्रुवे क्या बात है वंदना ध्रुवे बहुत दिनों के बाद भाई आप क्लास लेने आए हो लाइसिन रिच वैरायटी प्रोटीन आ सकती बिल्कुल भाई बिल्कुल ई सी मल्सीफाई फाइवल कंसनट्रेशन ठीक है कराड़े बंडल शीट में एथिलीन ब्लॉकेज कर देता है विल्ट में ठीक है ब्लैक वीट क्या होता है सर चंदन कुमार यादव ब्लैक बीट क्या होता है ब्लैक वीट भाई आ, कलर से है आपका ब्लैक बीट जो है वो आपका कलर से रिगार्डिंग है जैसे कि ब्लैक राइस भी आपने सुन रखा होगा ठीक है तो ऐसे ही आपका ब्लैक वीट भी है अभी न्यू न्यू वैरायटी या फिर उसका एक इनिशियल स्टेज पर आ, सब लोग लगा रहे हैं उसका एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है तो उसके बारे में भी हम आपको बता देंगे ब्लैक बीट क्या है और कौन कौन सी वैरायटीज वहां पर रिलीज की गई हैं कहां पर उसको ग्रो किया जा रहा है टेन परसेंट मेज में प्रोटीन बिल्कुल डिफरेंस बिटवीन सिंगल क्रॉस एंड डबल क्रॉस हाँ आकाश आपने बहुत बढ़िया भाई यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि सिंगल क्रॉस हाइब्रिड और डबल क्रॉस हाइब्रिड में जरा हमें डिफरेंस बताइए देखिए सिंगल क्रॉस हाइब्रिड क्या है जैसे हमारे पास दो वेराइटी है एक वेरायटी है ए और एक वेरायटी है आपका बी तो ए और बी का आपने क्रॉस किया ये आपका बन गया सिंगल क्रॉस सिर्फ आपने एक बार क्रॉस किया ये हो गया आपका सिंगल क्रॉस हाइब्रिड अब क्या करोगे आप ये जो सिंगल क्रॉस है आपके पास दूसरी वैरायटी थी सी और डी फिर आपने इनका क्रॉस किया तो ये भी आपका सिंगल क्रॉस है ए और बी का क्रॉस किया ये तो आपका सिंगल क्रॉस हो ही गया सी और डी ये भी आपका सिंगल क्रॉस हो गया अब जरा बात को समझना ए और बी का क्रॉस किया तो बन रहा था मान लीजिए आपके पास हाइब्रिड ई e बना और सी और डी का क्रॉस किया तो बन रहा था आपके पास हाइब्रिड एफ बना A और बी सिंगल क्रॉस से ई e बना सी और डी से बना एफ तो अब इन ई e और एफ का जब अपन क्रॉस कराएंगे आपस में ई e और एफ का जो कि प्राप्त हुए हैं सिंगल क्रॉस से उसे कहेंगे डबल क्रॉस हाइब्रिड. उसे कहेंगे डबल क्रॉस हाइब्रिड सिंगल क्रॉस और डबल क्रॉस क्लियर है नहीं हो तो भैया बता देना मैं यहां पर आप लोगों के कमेंट देख रहा हूं एक बार फिर से बता दूंगा <coughs> आगे चलते हैं आगे देखें डबल टॉप क्रॉसिंग अब जो डबल टॉप क्रॉस है या फिर टॉप क्रॉस है देखो डबल क्रॉस हाइब्रिड एंड टॉप क्रॉसिंग टॉप क्रॉसिंग जब हम यूज करते हैं यानी कि जब कभी भी एक इनब्रेड को इनब्रेड लाइन होती है इस इनब्रेड को जब कभी हम ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी बात को समझिएगा ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी से क्रॉस कराते हैं जब किसी भी इनब्रेड को तब उसे टॉप क्रॉस कहा जाता है और उसी को हम डबल टॉप क्रॉस भी कहते हैं आप देख सकते हो टॉप क्रॉसिंग सिंगल क्रॉस ए इन टू बी या फिर इनब्रेड लाइन इसे कह सकते हैं और इसका क्रॉस हमें कराना है ओपन पॉलिनेटेड वेराइटी से इसका क्रॉस ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी ओपी भी जरूर होना चाहिए तभी आप उसे टॉप क्रॉस कहेंगे यदि ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी नहीं है तब आप उसे टॉप क्रॉस नहीं करेंगे अब ये ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी क्या होती है ओपन पॉलिनेशन होता है क्रॉस पॉलिनेशन मतलब कि वहां पे पॉलिनेशन होने दिया जा रहा है सिंपल सी बात है वहां पे पॉलिनेशन में ऐसा नहीं है कि आप बैगिंग कर रहे हैं टैगिंग कर रहे हैं फिर आप अपने द्वारा पॉलिनेशन कर रहे हैं नहीं आप उसे इंडिपेंडेंट छोड़ रहे हैं खुला छोड़ रहे हैं पॉलिनेशन होने दिया जाएगा उसे कहेंगे ओपन पॉलिनेशन अब जो पॉलिनेशन होने दिया जा रहा है वहां पर हम देखेंगे कि उन सभी में से कौन सा सुपीरियर प्लांट है और जो भी सुपीरियर अपना प्लांट होगा उसे हम एज अ वेरायटी यूज कर लेंगे वो हो गई आपकी ओपन पॉलिनेटेड वेरायटी जब उसमें हम सिंगल क्रॉस का क्रॉस करा देंगे तो वो बन जाएगा हमारा टॉप क्रॉस तो वो बन जाएगा हमारा टॉप क्रॉस या फिर डबल टॉप क्रॉस दोनों एक ही वर्ड है ध्यान रखना चाहे डबल टॉप क्रॉस लिखा दिखे या फिर आपको टॉप क्रॉस लिखा दिखे आगे है टॉप क्रॉस इज प्रोड्यूस्ड बाय क्रॉसिंग अ सिंगल क्रॉस विद एन ओपन पॉलिनेटेड वेराइटी एंड सच क्रॉस इज कॉमनली यूज फॉर टेस्टिंग द जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी ऑफ द इनब्रीड्स जो इनब्रेड होती हैं ये जो इनब्रेड यहां पर आ रहा है बार-बार इनब्रेड इनब्रेड ये इनब्रेड क्या है जरा इनको समझ लें क्योंकि आपको अच्छे से समझ आ जाए हालांकि ब्रीडिंग का पार्ट है लेकिन मैं सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश करता हूं इनब्रेड को इनब्रेड क्या है देखो जब हम बात करते हैं सेल्फ कलर दूसरा ले ले सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप की तो इनमें बनती है प्योर लाइन क्या बनती है प्योर लाइन जब अपन बात करते हैं क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप की तो इनमें बनती है इनब्रेड अब ये इनब्रेड क्यों बनती है जरा देखो क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप में क्या होता है जब कभी आप क्रॉस कराते हैं इंटू बी का क्रॉस कराया गया मान लीजिए हमें सी मिला तो ये जो सी होगा ना ये आपका हेट्रो <coughs> हैट्रोजैगस कंडीशन में होगा हेट्रोजैगस कंडीशन मतलब कि जो एलील है वो आपके दोनों अलग अलग होंगे अब इस हेट्रोजैगस कंडीशन को यदि हमें स्टेबल करना है मतलब जैसे हमने इस ईयर किसी क्रॉप को लगाया अगले साल भी वह क्रॉप वैसा ही परफॉर्मेंस दे तो उसे हमें जब लेना है एक जैसा परफॉर्मेंस उस वैरायटी से तो हमें उसे होमोजाइगस कंडीशन में लाना होगा होमोजाइगस कंडीशन में लाने के लिए हम क्या करते हैं इसका क्रॉस इसी में करते हैं इसे कहा जाता है इनब्रीडिंग इसे कहते हैं इनब्रीडिंग और ये जो हैड्रोजैगस कंडीशन में रहता है तब इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है जैसे जैसे होमोजेगस हम इसे बनाते जाते हैं परफॉर्मेंस थोड़ा इसका डाउन होता चला जाता है और इसे ही कहा जाता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन तो एक क्वेश्चन आपका यह भी पूछा जाता है कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन हमें देखने को मिलता है तो किसमें देखने को मिलेगा क्रॉसिंग ओवर में और जब इनब्रीडिंग करते करते जब ये आपका होमोजेगस कंडीशन में आ जाता है तब इसे ही कहते हैं हम इनब्रेड लाइन क्या कहते हैं इनब्रेड लाइन तो ये इनब्रेड जो आपका बार बार आ रहा था ना इसका मतलब यही है कहा गया ये इनब्रेड इस तरीके से हमने इसको बनाया हुआ है और इनब्रेड को चेक करने के लिए ही हम यहां पर किसी भी वैरायटी को क्या करने के लिए चेक करने के लिए यूज करते हैं टेस्ट करने के लिए अब उस भी वैरायटी की टेस्ट क्या करना है जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी कि वह वैरायटी जी के लिए सही है अथवा नहीं उसे हम यहां पर चेक करते हैं अब देखो जरा टॉप क्रॉस वैरायटी कौन कौन सी है गंगा दो है और हाई स्टार ध्यान रखना डबल टॉप पूछे या फिर टॉप पूछे दोनों ही वैरायटी आपको पता होना चाहिए कंपोजिट वैरायटी है जवाहर विक्रम किसान अंबर सोना एंड विजय क्वेश्चन अपने मेज से सिंपल आते हैं कि बताइए अंबर कौन सी वैरायटी है हाइब्रिड वैरायटी है कंपोजिट है या फिर आपकी टॉप क्रॉस वैरायटी है ऐसे क्वेश्चन सिंपल सिंपल आते हैं बस आपको याद रखना है और आंसर अपने को बन जाएंगे कंपोजिट में जो अंबर है उसकी हाइएस्ट इंड है कितनी है पच, पचास से पचपन क्विंटल ग्रेन पर हेक्टेयर आकाशार रिपीट टॉप क्रॉस ठीक है देखो टॉप क्रॉस लिखा भी है भाई एक सिंगल क्रॉस आपने किया ए का बी के साथ और जब इसको आप ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी से क्रॉस करा दोगे तो यही कहलाएगा टॉप क्रॉस ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी एक हमारे पास खेत था यहां पर एक पॉपुलेशन लगी हुई थी इस पॉपुलेशन को हमने ओपनली पॉलिनेशन होने दिया फिर देखा कि इसमें कौन सा जो प्लांट है वह है सबसे अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है उसे हमने एज अ वैरायटी यूज किया वो होती है ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी क्लियर है उसका क्रॉस जब एक सिंगल क्रॉस हाइब्रिड के साथ करा देंगे वो होगा टॉप क्रॉस <coughs> आकाश झा सिंथेटिक और हाइब्रिड वैरायटी में क्या अंतर है ये सब ब्रीडिंग में मैं आपको पढ़ाऊंगा यहाँ पर यदि पढ़ाने बैठ जाऊंगा तो क्रॉप प्रोडक्शन आपका रह जाएगा ब्रीडिंग स्टार्ट हो जाएगा इसलिए मैं यहाँ पर ज्यादा आपको नहीं बता रहा हूँ ब्रीडिंग में मैं एकदम क्लियर आप लोगों को बताऊंगा नाइनटीन में जैसा मैंने बोला सबसे पहले आ, हाँ, जो आपके कंपोजिट थे वो आपके रिलीज हुए थे लाइसिन रिच कंपोजिट कौन कौन से हैं? देखो उनमें 10 से 11 प्रतिशत तक प्रोटीन पाया जाता है साढ़े तीन से चार परसेंट तक लाइसिन पाया जाता है प्रोटीना है शक्ति है रतन है ये सब के सब आपके रिलीज किए गए थे 1971 में। तो 1961 में कौन रिलीज किया गया हाइब्रिड 1967 में कंपोजिट और 1971 में लाइसिन रिच तो तीनों डेट याद रखिएगा और लाइसिन रिच जो वैरायटीज़ हैं उनमें आपका ओपेक टू जीन पाया जाता है और उनको हम ओपेक टू कंपोजिट भी कहते हैं क्वालिटी प्रोटीन क्यूपीएम जो है ग्रोथ के, के लिए ग्रोथ के लिए ना कि इरीगेशन के लिए ग्रोथ के लिए क्रिटिकल स्टेज नाइट्रोजन एप्लीकेशन करना चाहिए जर्मिनेशन पर ये क्रिटिकल स्टेज है एक है नीहाई यानी कि जब घुटने के बराबर हो जाए तब हमें एक नाइट्रोजन देना चाहिए और फिर है टेस्लिंग स्टेज पर भी नाइट्रोजन देना है यानी नाइट्रोजन के लिए भी मेज जो है वो क्रिटिकल स्टेज होती है मेज में और कौन कौन सी है वो है हमारी जर्मिनेशन नीहाई और टेस्लिंग स्टेज वाटर के लिए है टेस्टलिंग टू सिल्किंग मतलब टेसल से जब आपके सिल्क बन रहे हो तो ये होगा आपका वाटर के लिए क्रिटिकल स्टेज अब यहां पर एक टर्म आता है कि मेज जो है वो प्रोटेड्री क्रॉप है कौन सी क्रॉप है प्रोटेंड्री प्रोटेंड्री का मतलब है जिसमें आपका जो मेल पार्ट है वो जल्दी डेवलप हो जाता है फीमेल पार्ट से तो यहां पे देखो वाटर के लिए इरिगेशन क्रिटिकल स्टेज क्या है टेस्लिंग से लेकर सिल्किंग तक तो टेस्लिंग से लेकर सिल्किंग तक का मतलब क्या है कि भाई टेस्टलिंग पहले हो रहा होगा फिर बाद में सिल्किंग हो रहा होगा तभी तो टेस्टलिंग से सिल्किंग तक जाएंगे तो टेस्टलिंग पहले आ गया मतलब प्रोटेन क्रॉप इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कभी यदि आपको कंफ्यूजन हो तो यहां से आप उसे कनेक्ट कर सकते हैं तो ये था आज का अपना लेक्चर भाई यहां पर हालांकि मिनट फिफ्टी मिनट के लेक्चर में ले रहा हूं लेकिन कम समय में ज्यादा से ज्यादा आपको कवर कराने की कोशिश कर रहा हूं मतलब समय आपका कम ले रहा हूं सिंपल सी बात है इसी को हम एक सवा घंटे डेढ़ घंटे में पढ़ते तो वो थोड़ा सा मैंने फास्ट करके आपको 50 मिनट में पढ़ा दिया क्लियर है तो इसके आगे का लेक्चर होगा कल सुबह पहले अपन एग्रोनॉमी एंड कर रहे हैं शाम को मैराथन क्लास प्रियंका मैम की आपकी चलेगी इवनिंग में फाइव पी पर सारे लोग आ जाना क्लासेस आपकी पब्लिश हैं एग्रोनॉमी के ट्वेंटी लेक्चर आपके पब्लिश हैं जहां तक है आज कितनी 16 तारीख है 17, 18, 19 तारीख तक आपके लेक्चर्स पब्लिश हैं तो सभी लोग उन पर रिमाइंडर सेट कर लेना ताकि आप लोग भूले नहीं एक लेक्चर सुबह हो रहा है सात से आठ और एक हो रहा है नौ से दस इवनिंग में फिर अपने चलेंगे पांच से छह फिर आठ से नौ फिर नौ से सॉरी दस से ग्यारह इस तरह से लेक्चर चलेंगे इवनिंग में सारे लेक्चर जो होंगे वो होंगे आपके पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव टाइप एक मैं पढ़ा रहा हूं एमपी के बच्चों के लिए आर के पुराने पेपर सारे के सारे करा दे रहा हूं और आज अपन लेकर आएंगे हरियाणा एस का जो प्रीवियस ईयर का पेपर था उसमें देखेंगे किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए बाकायदे एनालिसिस अपन वहां पर करेंगे क्लियर है ओके देन बाय बाय टेक केयर जय हिंद जय भारत